जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों को टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया है। और दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी ने टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इस नाराजगी से बीजेपी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसमें टिकट न मिलने से नाराज हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देकर ऐलान किया है कि वो रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 विधायकों का टिकट काटा है, उसमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल था। दूसरी तरफ बीजेपी ने गुड़गांव विधानसभा सीट से मुकेश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद गुड़गांव विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए बैठे व्यापार मंडल के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल को झटका लगा और उन्होंने 50 से ज़्यादा पदाधिकारियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इंद्री विधानसभा सीट से बीजेपी ने राम कुमार कश्यप को उतारा है, जिससे नाराज होकर हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करण देव कंबोज ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर गद्दारों को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिस पर विधायक लक्ष्मण नापा ने नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट से कपूर बाल्मी को टिकट दिया गया है, जिससे सुखबिंदर शिवराम नाराज हैं। उन्होंने किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उकलाना विधानसभा सीट से बीजेपी ने अनुप धानक को मैदान में उतारा है, इससे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर गिल नाराज हैं और उन्होंने गलत टिकट बंटवारे का आरोप भी लगाया है। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोनीपत विधानसभा सीट से बीजेपी ने निखिल मदान को टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर सोनीपत से विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब तक कई बड़े नेताओं इस्तीफा दे चुके हैं और दूसरी तरफ टिकट न मिलने से नाराज पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और राजीव जैन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कविता जैन ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की है। इसके अलावा और कई बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं, और आगे भी नाराज होकर कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।